मेमेलियन एम्ब्रियोलॉजी, द गेस्ट्रुलेशन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स सिमिलरिटी ऑफ मेमिलियन एम्ब्रियोलॉजी विद बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, देन फॉर्मेशन ऑफ एपीबलास्ट एंड हाइपोब्लास्ट देन द एम्ब्रियोनिक लेयर फॉर्मेशन इन द गेस्टुला ऑफ द मेमल्स तो फर्स्ट द सिमिलरिटी विद द रेप्टल एंड द बर्ड्स स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास जो वो प्रोटोजो आ जाते हैं दैन पोरीफरा सीलट्रेट उसके बाद आहिस्ता एनिरेड्स आएँगे अकाइनोडर्म्स आएंगे दैन द वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं तो वर्टिब्रेट्स एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे टॉप पर मौजूद हैं अब वर्टिब्रेट्स के अंदर भी सब फर्दर ग्रुप्स मौजूद हैं वर्टिब्रेट का सबसे पहला ग्रुप है फिश दैन एम्फीबियंस दैन रेप्टाइल्स रेप्टल से फिर आगे दो ग्रुप्स निकले हैं बर्ड्स एंड द मैमल्स इसका मतलब यह है कि मैमल्स और बर्ड्स जो हैं इन दोनों का जो एनसेस्टर है वो रेप्टाइल है तो इसीलिए अगर हम जब डेवलपमेंटल स्टेज़ को देखते हैं तो हैरान कौन तौर हैरान कौन तौर पर जो मैमल्स का एग है वो वैसे तो बहुत डिफरेंट है रेप्टाइल और बर्ड से लेकिन उसका डेवलपमेंट का जो पैटर्न है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द बर्ड्स एर रेप्टाइल्स तो रेप्टाइल और बर्ड से इसका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो बहुत हद तक सेम है उसकी वजह कॉमन एनसेस्ट्री है कि दोनों का एनसेस्टर जो कामन है कॉमन है रेप्टाइल से ही ये दोनों ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स भी और मैमल्स भी तो दोनों ने अपने एनसेस्टर्स वाला जो, जो है जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो मेंटेन रखा है हालांकि जो मैमल्स का एग है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेप्टाइल एंड द बर्ड्स एग अब अगर हम बात करें हाउ द गैस्ट्रुलेशन प्रोसीड्स तो गैस्ट्रुलेशन सिंपली जैसे कि हम जानते हैं कि गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स गैसटोलेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान एक्टोडर्म एंडोडर्म और विजोडर्म ने बनना है तो तीनों जर्म लेयर्स का बनना चाहिए गैस्टोलेशन का प्रोसेस है अब सबसे पहले अगर हम मैमल्स के एम्ब्रियो की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि मैमल्स का जो एम्ब्रियो है उसमें सेल्स जो है वो दो हिस्सों में होते हैं एक वो सेल्स होते हैं जिनको हम इनर सेल मैस कहते हैं और दूसरे वो सेल्स होते हैं जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं तो ट्रोफोब्लास्ट ने एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन या फिर जो होता है वो बाकी जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स बनाने लेयर्स बनानी होती हैं जो एक्चुअल डिवेलपमेंट है एम्ब्रियो की वो होनी है इनर सेल मैस से आई से तो सबसे पहले जो इनर सेल मैस है अब जितनी भी डिवेलपमेंट होनी है वो आई से ही होनी इनर सेल मैस से ही होनी है तो सबसे पहले इनर सेल मैस डिवाइड करेंगे और एक खास किस्म की जो है वो लेयर बनाएंगे जिसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं अब ये जो ब्लास्टोडर्म है फिर ये स्प्लिट होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है द एपी ब्लास्ट एंड द हाइपो ब्लास्ट तो एपी ब्लास्ट और हाइपो ब्लास्ट ये दोनों एक्चुअली शुरू में कट्ठी होती है एंड दे फॉर्म आ बाईलैमिनर जर्म डिस्क कहलाती हैं उसको बाद में जो हाइपो ब्लास्ट है इसने आगे जाकर एक्स्ट्रा मेरिक मेम्ब्रेंस के साथ शामिल हो जाना है जबकि जो एपी ब्लास्ट है इसने आगे फर्दर जाकर जो बाकी सेल्स है वो बनाने हैं सो so, जो एपीब्लास्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एपीब्लास्ट ने आगे जाकर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स जो है वो सेल्स की बनानी है जबकि जो हाइपोब्लास्ट है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट बनाएगी यानी कि एंडोड्रोम बनाएगी कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोड्राम बनेगी जबकि जो एम्ब्रियो की जो एंडोड्रोम लेट मी क्लियर इट अगेन एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनेंगे दे विल फॉर्म द एंडोडर्म ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेमब्रेन जबकि जो एपी ब्लास्ट है इससे तीन तरह के सेल्स डिवेल्प होंगे एंडोडर्म मिजोडर्म एंड द एक्टोडर्म तो इस तरह से जो है वो तीनों तरह के सेल्स जो वो डिवेल्प होंगे तो हाउ दिस विल हैपन सबसे पहले जिस तरह से बर्ड्स के अंदर जो टॉप के ऊपर एक पेरीमिटिव स्ट्रिक बनती है मैमल्स में बिल्कुल इसी तरह से पेमिटिव स्ट्रिक बनेगी पेरमिटिव स्ट्रीक के बाद बर्ड्स के अंदर एक हैंसन नोड होता, होता है यहाँ सिंपल नोड होता है सेल माइग्रेट करके नीचे आते हैं नीचे वाले सेल जो होते हैं वो फिर आकर जो है वो मिजोडर्म और बाकी जो है लेयर्स जो है वो बनाएंगे और वो सेल जो सबसे टॉप पर रह जाएंगे माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद दे विल फॉर्म द एक्टोडर्म तो यहाँ अगर हम देखें मैमल्स में कोई योक नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद जो सेल की माइग्रेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे बर्ड्स के एग्स में होती है बर्ड्स के एम्परी में होती है तो सबसे पहले जो एपी है वहाँ सेल माइग्रेट करेंगे कहाँ से माइग्रेट करेंगे एपीब्लास्ट के ऊपर एक लाइन बनती है जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं पीमिटिव स्ट्रीक सेल माइग्रेट करके नीचे आएंगे नीचे आकर वो जर्म लेस बनाएंगे मिजोडरम बनाएंगे और वो सेल जो ऊपर रह जाएंगे बाकी दे विल बी कन्वर्टेड इंटू एक्टोडर्म एक्टोडर्म ने आगे फ्यूचर में जाकर नर्वस सिस्टम और स्किन या जिसका मपीथिलम कहते हैं वो बनानी है जबकि ज्यादातर ऑर्गन जो होते हैं वो मिजोडर्म से डेवेल्प होते हैं